हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिटी सेंटर मॉल अग्निकांड प्रभावित व्यापारियों से मिले डा ध्यानाराम महाराज। ब्रह्माचार्य तुलसीराम महाराज का सांत्वना संदेश पहुंचा, व्यापारियों से नई पहल को तैयार रहने का आह्वान। मुंबई सेंट्रल स्थित सिटी सेंटर मॉल में पिछले दिनों हुई दुखद अग्निकांड त्रासदी के बाद राजस्थान से आए दिन प्रवासी जन प्रभावित प्रवासी व्यापारियों का ढांढस बंधाने आ रहे हैं। पूर्व में जालौर सिरोही जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। इसी कड़ी में ब्रह्माधाम तीरथ आसोत्रा से ब्रह्माश्री ब्रह्माचार्य तुलसीराम महाराज का सांत्वना संदेश लेकर रविवार को वेदांताचार्य डा ध्यानाराम महाराज सिटी सेंटर मॉल पहुंचे। रविवार शाम 5 से 8 बजे तक मुंबई सेंट्रल में प्रवासी महाराज बंधुओं के बीच रहे और अग्निकांड में प्रभावित प्रवासी व्यापारियों को हिम्मत बंधाई। इस मौके पर ब्रह्माश्री ब्रह्माचार्य तुलसीराम महाराज का संदेश देते हुए डा ध्यानाराम महाराज ने कहा कि आज बुरा समय आया है तो निश्चित ही कल अच्छा समय आएगा। ऐसे में सभी प्रवासी व्यापारियों को नए सिरे से शुरुआत करने की दिशा में मानसिकता तैयार करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे विपत्ति काल में सक्षम व्यापारियों को जरूरतमंद व्यापारियों की मदद के लिए भी आगे आना चाहिए। रामचरितमानस और श्री भगवद गीता के प्रसंगों को उल्लेखित करते हुए डा ध्यानाराम महाराज ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सभी व्यापारियों को शांति से काम लेना चाहिए। अग्नि के बाद शीतलता जरूर आती है। ऐसे में समस्त प्रवासी व्यापारियों को एकजुट होकर नए सिरे से शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर महानगर के कई प्रबुद्ध जनों के अलावा सिटी सेंटर मॉल के अधिकांश प्रवासी व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गुरुदेव ने सभी 36 कौम के व्यापारी भाइयों को इस दुखद समस्या में भरपूर सहयोग की बात कही और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि सभी के साथ व सहयोग से एक बार फिर से नुकसान को मात देकर उभर आएंगे। कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध जनों समेत सिटी सेंटर मॉल के व्यापारी बंधु मौजूद थे। समस्त मारवाड़ी समाज के लिए ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा से गुरु महाराज जी का दिव्य संदेश है कि आप सब लोग प्रेम और सद्भाव के साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। अभी जो यह मुंबई सिटी सेंटर में त्रासदी हुई उसके लिए गुरु महाराज जी ने सबको यह सांत्वना संदेश दिया है कि हर परिस्थिति में सब लोगों को साथ में लेकर के आप चलिए, भाईचारे के साथ में रहिए। समस्याएं समय समय पर आती रही पर समस्याओं को फेस करना, समस्या को स्वीकार करना जब हमें आ जाएगा तो हमारे लिए समस्या बड़ी नहीं होगी और जहां हमें वहीं से हम आगे बढ़ना प्रस्तुत करेंगे, आगे बढ़ना आगे जारी रखेंगे तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। और एक दूसरे का सहयोग आप अवश्य ही करें। जो लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी सहयोग करेंगे तभी आप महान मानव बन पाएंगे और आप भगवान के परम भक्त बन पाएंगे। बस यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जागरूक टाइम जो समाज को जागरूक कर रहा है हर तरह से, हर तरह की खबर न्यूज पहुंचा करके, उनके लिए भी गुरुदेव का आशीर्वाद और वह भी हमेशा समाज में सत्कार्य करते रहें। आप सब लोग विशेष करके जो हमारा ये राजपुरोहित समाज है अपने कुल परंपरा से, अपने जो गुरु परंपरा है ब्रह्मधाम आशोत्रा से आप जुड़े रहें ताकि आपका भी उत्थान होता रहे, आपको उन गुरु महान गुरु की कृपा प्राप्ति होती रहे, यही गुरुदेव का आशीर्वाद है। भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से पूरे जगत का कल्याण हो, जगत का भला हो, ऐसे हम सब लोग परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय ब्रह्मा जी, जय गुरु महाराज जी। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।